पूर्णिया के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी वेतन भुगतान नहीं होने से काफी खपा हैं और हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए आपातकालीन सेवा को छोड़कर अन्य सभी कार्यों से अपने को अलग कर लिया है, जिसका असर मरीजों पर पड़ता साफ दिख रहा है। पूर्णिया सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण घंटों इंतजार करने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों में काफी गुस्सा भी दिखा। हड़ताल हुई है वेतन के सवाल पर। पूरे राज्य में 2211 में जो भी कर्मचारी हैं, जैसे NM वगैरह आते हैं उसमें, और उनको साल भर से वेतन नहीं मिल रहा है, कहीं 6 महीना से नहीं मिल रहा है, कहीं 8 महीना से नहीं मिल रहा है। अभी जो आवंटन आया उसमें किसी किसी जगह 1 महीना का, किसी का 2 महीने का निकला है, और हम लोग बराबर सरकार से आग्रह करते हैं कि आवंटन उपलब्ध इतना करा दीजिए ताकि वेतन हम लोग को समय पर मिले। राज्य में 24/9/18 से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है और इसमें अभी हम लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवा को छोड़ कर के, और जो सेवा है उसे हम लोग बहिष्कार करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होता है, हमको जब तक आवंटन सुनिश्चित नहीं करता है सरकार, तब तक ये आंदोलन चलेगा।